नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान में एक बार फिर गहलोत बनाम पायलट का टकराव शीर्ष पर आ गया है। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को एक बार फिर गद्दार कहा है। एनडीटीवी से बात करते हुए गहलोत ने पायलट पर जमकर सीधा हमला बोला। गहलोत ने कहा कि एक गद्दार मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, हाईकमान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बना सकता। एक ऐसा शख्स जिसके पास 10 विधायक भी नहीं है, ऐसा शख्स जिसने विद्रोह किया, उन्होंने पार्टी को धोखा दिया, वो गद्दार हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। अशोक गहलोत ने एनडीटीवी से बात करते हुए 2020 में पायलट गुट की बगावत के बारे में कहा, यह संभवतः हिंदुस्तान में पहली बार हुआ होगा जब एक पार्टी अध्यक्ष ने अपनी ही सरकार गिराने की कोशिश की। गहलोत ने कहा, ये सरकार गिरा रहे थे, इसमें अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल थे, उन लोगों के बीच दिल्ली में बैठक हुई थी। गहलोत ने कहा कि सचिन के साथ मौजूद विधायकों में से किसी को 5 करोड़ मिले, किसी को 10 करोड़, और ये रकम दिल्ली के बीजेपी दफ्तर से उठाई गई। गहलोत ने यह भी आरोप लगाया कि सचिन पायलट कैंप के लोगों से मिलने के लिए धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे थे, जबकि कांग्रेस की तरफ से बातचीत के लिए भेजे गए नेताओं को मुलाकात नहीं करने दी गई। एनडीटीवी से बात करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 90 से अधिक गहलोत समर्थक विधायकों के इस्तीफे की धमकी को लेकर कहा, वो विधायक मुख्यमंत्री यानी मेरे वफादार नहीं थे, वो हाईकमान के वफादार थे। उन्होंने कहा कि वो उस विवादास्पद बैठक में शामिल नहीं थे और कहा कि इसका दोष सचिन पायलट के सिर मढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही ये थ्योरी उड़ाई थी कि उन्हें सीएम बनाया जाने वाला है। एक अफवाह उड़ाई गई कि सचिन पायलट को सीएम बनाया जाएगा, उन्होंने खुद ही इसे फैलाया था। लोगों को लगा कि उन्हें सीएम बनाया जाएगा, इससे विधायक नाराज हो गए कि उन्हें कैसे सीएम बनाया जा सकता है, जबकि उन्होंने अपनी ही सरकार को गिराने की कोशिश की थी। बता दें, हाल ही में जब अशोक गहलोत को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात हुई थी, तब राजस्थान में विधायकों की बैठक आलाकमान के निर्देश पर बुलाई गई थी, लेकिन गहलोत समर्थक विधायक उस बैठक में शामिल नहीं हुए और उन्होंने अलग बैठक की, साथ ही स्पीकर को इस्तीफा देने की बात कही। इस दौरान गहलोत से जब बार बार पूछा गया कि अगर पार्टी हाईकमान पायलट को मुख्यमंत्री बनाना ही चाहती हो, इस पर गहलोत ने कहा कि पायलट को कैसे मुख्यमंत्री बना सकते हैं। उन्होंने इस फैसले को हाईकमान पर नहीं डाला, बल्कि बार बार कहा कि पायलट को सीएम नहीं बनाया जा सकता है। इससे साफ हो गया कि गहलोत किसी भी हाल में पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते हैं, फिर चाहे किसी का भी फैसला हो। अशोक गहलोत के द्वारा सचिन पायलट पर हमला करने के बाद राजस्थान बीजेपी एक बार फिर कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार अब जुमा 4 दिन की है। पूनिया ने पायलट के साथ सरकार गिराने की कोशिश में बीजेपी के शामिल होने के दावे को खारिज किया और कहा कि गहलोत का दावा बेबुनियाद है, वो अपनी नाकामी का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रहे हैं। पूनिया ने कहा कि 4 साल के इलू के इस खेल में यदि कोई हारा है तो वो राजस्थान की जनता है। सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने आज चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र मैकेनिज्म की मांग करने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया। लाइवलॉ के मुताबिक कोर्ट ने पार्टियों को 5 दिनों के भीतर 6 पेज तक का संक्षिप्त नोट दाखिल करने को कहा है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि जब संविधान कहता है तो आप किसी को 6 साल से कम कैसे कर सकते हैं। उन्होंने आग्रह किया कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक स्पष्ट प्रक्रिया के माध्यम से होनी चाहिए, जिसमें कोई मनमानापन ना हो। उन्होंने कहा कि बेंच इस खालीपन को भर सकती है। वहीं अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा, इस तरह की राह तब तक नहीं अपनाई जा सकती जब तक कोई ट्रिगर पॉइंट ना हो। यहाँ कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं है, अंतर को अमूर्त तरीके से नहीं लगाया जा सकता है, नियुक्ति का एक तरीका होता है। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भी सवाल उठाया। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अदालत ने कहा कि सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया की जो फाइल कोर्ट में जमा कराई है, उसको देखने से ही पता चलता है कि पूरी प्रक्रिया में सरकार ने जल्दबाजी दिखाई है। पीटीआई के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसा इस अदालत ने देखा कि गोयल की नियुक्ति से संबंधित फाइल को बिजली की गति से मंजूरी दे दी गई। बता दें कि अरुण गोयल ने पिछले शुक्रवार को अचानक वीआरएस लिया था और शनिवार को उन्हें सरकार ने ईसी नियुक्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति की फाइल को सरकार से मांगा था। सरकार की ओर से आज गुरुवार को इस फाइल को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस केएम जोसेफ की संवैधानिक बेंच के सामने पेश किया गया। 5 जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार को कहा, यह किस तरह का मूल्यांकन है, हम अरुण गोयल की साख योग्यता पर नहीं बल्कि प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति की मूल फाइल को देखने के बाद हैरानी जताते हुए कहा कि 1985 बैच के आईएएस अधिकारी गोयल को एक ही दिन में सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस में गई, उनकी फाइल को कानून मंत्रालय ने एक ही दिन में मंजूरी दे दी, फिर 4 नामों का एक पैनल प्रधानमंत्री के सामने रखा गया और गोयल के नाम को मंजूरी मिली।
फिर उसी 24 घंटे के अंदर राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी, ये जल्दबाजी क्यों? बेंच ने भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से ये भी पूछा कि ऐसे व्यक्ति को क्यों नियुक्त किया गया जिसका कार्यकाल अनिवार्य रूप से 6 वर्ष की अवधि का नहीं होगा। जस्टिस अजय रस्तोगी ने कहा कि कभी कभी किसी न किसी वजह से नियुक्तियों में तेजी की जरूरत होती है, हालांकि ये वैकेंसी 15 मई को निकली थी। क्या आप हमें 15 मई से 18 नवंबर तक दिखा सकते हैं कि आपने क्या किया? सरकार पर क्या दबाव था कि आपने एक दिन में ही ये नियुक्ति सुपरफास्ट तरीके से की? उसी दिन प्रक्रिया, उसी दिन क्लियरेंस, उसी दिन आवेदन, उसी दिन नियुक्ति। फाइल ने 24 घंटे के लिए भी सफर नहीं किया, ये बिजली की तेजी क्यों? चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि वो कौन सा मानदंड था जिसके आधार पर कानून मंत्री ने 4 नामों को शॉर्टलिस्ट किया था, जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री को उनकी मंजूरी के लिए की गई थी। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि शॉर्टलिस्टिंग के लिए कुछ निश्चित आधार हैं, जैसे कि वरिष्ठता, रिटायरमेंट, चुनाव आयोग में उनका होने वाला कार्यकाल, ताकि जिसे नियुक्त किया गया है उसे चुनाव आयुक्त के रूप में कम से कम 6 साल का समय मिले। इस पर जस्टिस जोसेफ ने कहा कि जिन 4 नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया था वो भी सरकार ने ऐसे लोगों के नाम चुने जिन्हें चुनाव आयुक्त के रूप में 6 साल भी नहीं मिलेंगे। आपको उन लोगों को चुनने की आवश्यकता है जिन्हें चुनाव आयुक्त के रूप में 6 साल मिलने चाहिए। उन्होंने कहा यह मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 1991 की धारा 6 का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील से कहा कि आपने अभी कहा कि जिस श्रेणी में हाल ही में नियुक्ति की गई है उस श्रेणी में कोई अन्य अधिकारी नहीं है, जबकि एक ही कैडर से ऐसे कई नाम हैं। हम सूची पढ़ सकते हैं, हम जानना चाहते हैं कि आपने कैसे नाम का चयन किया है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने इस आयु वर्ग के लोगों को फिल्टर करने के लिए क्या तंत्र अपनाया है। फिलहाल सुनवाई जारी है। दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद ने लड़कियों की एंट्री पर रोक लगा दी है, लेकिन अगर कोई लड़की परिवार के साथ आती है तो उसे अंदर आने की अनुमति है। दिल्ली महिला आयोग ने जामा मस्जिद के शाही इमाम को इस बाबत नोटिस जारी किया है और उसके फैसले की निंदा की है। विश्व हिंदू परिषद ने कानून मंत्रालय और राष्ट्रीय महिला आयोग से इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहा है। जामा मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी ने तीनों एंट्री गेट पर एक नोटिस लगा दिया है जिस पर लिखा है, जामा मस्जिद में अकेली लड़की या लड़कियों के समूह का प्रवेश वर्जित है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर लड़की या लड़कियों के साथ कोई पुरुष अभिभावक नहीं है तो उन्हें प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके बाद ये विवाद बढ़ने की आशंका है, क्योंकि दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने जामा मस्जिद के शाही इमाम को नोटिस देने का फैसला किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा गुरुवार को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। यात्रा बुधवार सुबह मध्य प्रदेश पहुंची थी, जहां पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ सहित कांग्रेस के तमाम विधायकों और नेताओं ने इसका जोरदार स्वागत किया था। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। राज्य में विधानसभा की 230 सीटें हैं। राहुल गांधी ने मालवा और निमाड़ के जिस मार्ग को अपनी यात्रा का मुख्य हिस्सा बनाया है उसमें कुल 66 सीटें हैं। आमतौर पर इस क्षेत्र में ज़्यादा सीटें जीतने वाला दल ही राज्य की सत्ता को हासिल करता है, और वर्ष 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने इन सीटों में से भाजपा से 3 सीटें कम पाकर भी सरकार बनाई थी। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा भारतीय सेना पर दिए अपने बयान को लेकर विवादों में घिर गई हैं और अब उन्होंने इसके लिए माफ़ी भी मांगी है। दरअसल भारतीय सेना की उत्तरी कमांड के कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था कि जब भी भारत सरकार आदेश देगी सेना POK पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। भारतीय सेना सरकार के हर आदेश के लिए तैयार है। इस ट्वीट के जवाब में अभिनेत्री ने लिखा था, गलवान सेज हाय, यानी गलवान याद करें। इसके बाद अभिनेत्री विवादों में आ गई और अब माफ़ी मांगनी पड़ी है। अभिनेत्री ने अपनी माफी को ट्वीट कर लिखा है कि मेरा ये इरादा कभी नहीं हो सकता, फिर भी विवाद में घसीटे गए इन 3 शब्दों ने अगर किसी को दुख पहुंचाया हो तो मैं माफ़ी मांगती हूं, और ये भी कहूंगी कि मेरे शब्दों ने अगर गैर इरादतन भी फौज में मेरे भाइयों के अंदर ये भावना पैदा की हो तो मुझे बहुत दुख होगा। असम मेघालय सीमा पर हिंसा को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि इसका सीमा विवाद से कोई लेना देना नहीं, ये गाँव के लोगों और पुलिस के बीच टकराव हुआ था। उन्होंने कहा ये टकराव जंगल की लकड़ी को लेकर हुआ था, हमने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं, हमने मामले को CBI और NIA के पास भेज दिया है, मुआवजे की घोषणा की गई है, जिम्मेदार व्यक्ति को निलंबित किया गया है। बता दें पश्चिम जयंतिया हिल्स में मुकरोह जगह पर गोलीबारी में असम के एक वन अधिकारी समेत 6 लोगों की मौत हो गई। असम के पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले में गाँव के गुस्साए लोगों ने बुधवार को फॉरेस्ट ऑफिस में तोड़फोड़ कर उसमें आग लगा दी थी। फिलहाल दोनों राज्यों के सीमावर्ती इलाकों में तनाव बना हुआ है।
लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ होंगे। वो जनरल कमर जावेद बाजवा की जगह लेंगे। पिछले काफी दिनों से पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ को लेकर वहां की सरकार लगातार विचार कर रही थी। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन सेना के तीनों सशस्त्र बलों के बीच समन्वय का काम करता है, साथ ही वो पीएम और नेशनल कमांड अथॉरिटी का प्रमुख सैन्य सलाहकार भी होता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई और उसमें इन नामों को मंजूरी दी गई। अब इन नामों को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।